हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं इस वीडियो में आपको पार्ट 3 बताऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर चल रहा है हमारा। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड चेंज पॉइंट इज 100,20 मीटर, फोर्स हाइट इज 2.25 मीटर, द आर एल ऑफ द पॉइंट विल बी। ऑप्शन ए 102.45 मीटर, 97.95 मीटर, ऑप्शन सी 97.75 मीटर, ऑप्शन डी 10,000 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये ब्लैक बेयरिंग इज इक्वल टू, ब्लैक नहीं यहाँ पे वेक बेयरिंग होता है, वेक बेयरिंग इज इक्वल टू, तो वेक बेयरिंग हमारी होती है फॉरवर्ड बेयरिंग प्लस माइनस 180। इसका फार्मूला होता है बेक बेयरिंग इक्वल टू फॉरवर्ड बेयरिंग प्लस माइनस 180। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। फॉर द ऑर्डिनरी लेवलिंग इन इंजीनियरिंग सर्वे द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन मिलीमीटर इज। ऑप्शन ए अंडर रूट डिस्टेंस इन मीटर, ऑप्शन बी प्लस माइनस डिस्टेंस इन किलोमीटर, ऑप्शन सी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्टेंस इन किलोमीटर, ऑप्शन डी प्लस माइनस डिस्टेंस इन मीटर का स्क्वायर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। व्हाट विल बी द डिजिनेशन ऑफ 1/1000 स्केल इज। तो ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 100 हेक्टेयर इज इक्वल टू, तो 100 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 हेक्टेयर होता है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेन सर्वे हैज फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। द प्लेन सर्वे का फर्स्ट ही करेक्टरिस्टिक सही है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट, ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अ गंटर चेन इज, तो गंटर चेन हमारी 66 फिट लॉन्ग होती है विद इसमें 100 लिंक्स होते हैं, ये इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन अगर बी की बात करें तो ये 33 फिट लॉन्ग विद 16 लिंक्स, इसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू चेन। नेक्स्ट ऑप्शन अगर सी की बात करें तो जो 100 फिट लॉन्ग है ये हमारी इंजीनियरिंग चेन्स होती है, और उसके बाद ऑप्शन डी की बात करें तो ये हमारी मेट्रिक चेन हो जाएगी। मेट्रिक चेन हमारी 5 से 30 मीटर तक होती है, तो ये 20 का पूछा है, तो हमारी ये मेट्रिक चेन हो गई ऑप्शन डी, मतलब 20 मीटर मेट्रिक चेन, 100 फिट इंजीनियरिंग चेन, उस इंजीनियर चेन या इंजीनियरिंग जो भी है। फिर ऑप्शन बी 33 फिट, 33 फिट मतलब रेवेन्यू चेन, 66 फिट मतलब गंटर्स चेन, और गंटर चेन्स का नाम दूसरा होता है सर्वेयर चेन, इन दोनों नाम से पूछ सकता है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 68.32, इट इज कोऑर्डिनेट बेयरिंग। ये बहुत आसान होता है कि हमको बस ये पता करना है कि हमारा ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो आप सब लोग जानते हैं 90-90 का कोऑर्डिनेट होता है, तो अगर हम ना फर्स्ट हमारा 68-90 में ही आ जाएगा, तो हम अगर चलेंगे फर्स्ट से तो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो हमारा 90 में ही आ ही जाएगा ये, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। एन 68° 32' ईस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। द लेंथ ऑफ लाइन मेजर विद गंटर चेन वाज फाउंड टू बी 5,000 लिंक्स, इफ द चेन वाज 0.2 लिंक टू शॉर्ट, फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ये भी एक न्यूमेरिकल है बहुत छोटा सा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10। द डायरेक्शन इंडिकेट वाई फेयरली सस्पेंडेड एंड प्रॉपरली ब्लॉन्ग्ड मैग्नेटिक नीडल्स अनअफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्रू मेरिडियन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑप्शन सी रिवेटरी मेरिडियन, नन ऑफ द अबव। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। व्हाट विल बी द ब्लैक वेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी हैविंग फोर वेरिंग ऑफ 38 डिग्री 14 मिनट। इसको भी एंगल निकालना है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमको बस अगर देखिए जो ये फोर बेरिंग, यहाँ पे फोर बेरिंग लिखा होना चाहिए, ब्लैक बेरिंग लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया। तो फोर बेरिंग में अगर हमारी जो ये वैल्यू दी होती है फोर बेरिंग की, वो अगर 180 से छोटी है, मतलब कम है 180 से, तो उसमें हम 180 प्लस कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग फार्मूला पढ़े फॉरवर्ड बेरिंग, वो बैक बेरिंग इजकल टू फॉरवर्ड बेरिंग प्लस माइनस 180। तो ये हमारा 180 से कम है, तो हम इसमें 180 ऐड कर देंगे। तो 180 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 218.4 आ जाएगा। अगर सपोज डेट यही वैल्यू हमारी फॉरवर्ड बैक बेरिंग की वैल्यू अगर 180 से ज़्यादा रहती तो हम क्या करते, उस बैक बेरिंग में से 180 माइनस कर देते, जितना आता उतना ही आंसर हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। एलिडेट इज एसेंशली यूज्ड, तो एलिडेट कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग इसको प्लेन टेबल में यूज करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। द कोऑर्डिनेट वेरिंग इज इक्वल टू सिस्टम नेवर एक्सीड, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट वेरिंग होते हैं सभी लोग जानते हैं 90-90 का होता है, तो 90 से कभी एक्सीड नहीं करेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ग्रेडिंग ऑपरेशन रिक्वायर फॉर एन एरिया डिपेंड अपॉन, तो लैंड ग्रेडिंग मतलब हमको करनी है, तो उसके लिए हमको हर एक चीज़ देखना पड़ेगा, टोपोग्राफी उसका कैसा है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, वाटर सप्लाई सोर्स क्या है, तो इस तरीके से इसके ऑल ऑफ द अब ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। लैंड ग्रेडिंग कैलकुलेशन मे बी डन बाई द मेथड, तो लैंड ग्रेडिंग हम लोग प्लेन मेथड से भी करते हैं, प्रोफाइल मेथड से भी करते हैं, और कंटूर एडजस्टमेंट मेथड से भी करते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मोस्ट सुटेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैंड ग्रेडिंग, तो उसके लिए हम लोग फिर ऑप्शन ए मारते हैं, अगर मोस्ट पूछता, ऑप्शन ए मतलब प्लेन मेथड। लेकिन ये खाली पूछा है कि किससे किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट तो हम सबसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, लेकिन अगर मोस्ट सुटेबल पूछता तो प्लेन मेथड हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, देखो तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो स्टोक होती है, और डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो पाइज होती है। डायनेमिक डायनेमिक विस्कोसिटी इजकल टू पाइज, सॉरी इजकल टू नहीं, उसका यूनिट पाइज होगा, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्टोक, और डाइन तो आप सब लोग जानते हैं फोर्स का यूनिट होता है, 1 डाइन इजकल टू 0.00401 लास्ट में 4 इजकल टू न्यूटन होता है, इतना कुछ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन है, फॉर अ रेक्टेंगुलर वियर फॉलो फ्लो रेट मेजर्ड इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा रेक्टेंगुलर वियर का फार्मूला है, उसमें एच की पावर 3/2 दिया रहता है, वही यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एच की पावर 3/2, इसका फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर वियर का 1.84 × L × H³³। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। एन आइडियल फ्लूड इज, आइडियल फ्लूड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, डज नॉट रेजिस्ट शियर, है जीरो वेलोसिटी, ऑल ऑफ द अबव, सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाय, तो रेनॉल्ड नंबर हम लोग पढ़ रखे हैं, सभी लोग जानते हैं आर इजकल टू पीवीडी अपॉन म्यू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ओपन चैनल सेक्शन ऑफ विथ वी एंड डेप्थ ऑफ वाटर वाई इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाई बी बाई अपन बाई प्लस 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग चेजी फार्मूला विच इज,
ओपन चैनल में हम लोग वेलोसिटी चेंजिंग फार्मूला से यूज कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो फार्मूला होता है तो डी, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी इक्वल टू सी सी इंटू अंडर रूट आर इंटू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 22 आ डायमेंशनलेस नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ इनर्शिया टू विस्कस फोर्स इज, सॉरी इन फ्लूड फ्लो इज बेटर नोन एज, वो एक डायमेंशनलेस नंबर है जिसका रेशियो है इनर्शिया फॉर इंडस्ट्रियल टू विस्कस फोर्स, इंडस्ट्रियल टू विस्कस फोर्स होगा तो हो जाएगा रेनॉल्ड नंबर, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, 23 फ्लूड फ्लो इन ए पार्टिकुलर प्रोसेस इज सेट टू बी कंप्रेसेबल इफ द चेंज इन डेंसिटी ऑफ द फ्लूड ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, ऑप्शन ए लेस देन 5%, ऑप्शन बी 5 to 10%, ऑप्शन सी मोर देन 10%, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 to 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24 आ डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर, तो डायमेंशन प्रेशर का हमारा होता है ml, ml यहाँ पे ml t की पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 द LSU टाइप ड्रायर वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री, LSU टाइप ड्रायर कहाँ डेवलप किए गए, तो USA में किए गए, आप सब लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय स्क्रीनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, तो ग्रेन को सेपरेट कैसे करें, साइज के अकॉर्डिंग पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 विच काइंड ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ फ्लूइड प्रेशर, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी स्केलर, ऑप्शन सी टेंजर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मैं इसका टेंजर्स टिक कर रहा हूँ, सी, आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 इफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड ग्रेन इज 20% ऑन द वेट बेसिस इट इज, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस विल बी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेट बेसिस पे निकालना है, हमको दिया हुआ है मॉइस्चर और ड्राई बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 25 हो जाएगा। फिर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ड्राइंग मेथड फॉर फूड प्रोडक्ट, इनमें से ड्राइंग के लिए कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो सन ड्रायर यूज करते हैं, फ्रीजिंग ड्रायर, फ्रिज ड्रायर यूज करते हैं, ऑस्मेटिक ड्रायर यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटेड ड्राइंग नहीं यूज करते हैं हम, ये ठंडा करने का प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 इन HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पेस्चराइजेशन मिल्क इज हीटेड टू आ टेम्परेचर ऑफ, तो हाई टेम्परेचर पे हम लोग मिल्क को कितनी देर पेस्चराइज करने के लिए हीट करते हैं, तो 71 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 इन अ वेस्ट टाइप पेस्चराइजेशन मिल्क इज हीटेड टू अ डिजायर्ड टेम्परेचर फॉर, ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 15 सेकेंड, ऑप्शन सी 2 सेकेंड, ऑप्शन डी 45 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी 50 सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द होल्डिंग ट्यूब इन HTST पेस्चराइजेशन इज, तो जो इसको होल्ड करने की इसका कैपेसिटी होता है वो होता है 9 मिनट तक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन हेक्सेन इज अबाउट, तो इसका कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, 65.5 डिग्री, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 परसेंट ऑफ द
दाल इल्ड बाई सी एफ टी आर आई मेथड इज अबाउट, ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इन अ इमर्सन बैलेंसिंग प्रोसेस द हॉट वाटर इज मेंटेन एट द टेम्परेचर ऑफ, जो हमारा इमर्सन रॉड होता है वो टेम्परेचर कितना मेंटेन रख सकता है, तो 75 से 100 डिग्री तक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। द टेम्परेचर ऑफ फूड प्रोडक्ट इन अ फ्रिज इज अबाउट, ऑप्शन ए 4 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -18 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी -40 डिग्री। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी -18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। द फंक्शन ऑफ रबर रोलर सेलर इन ए मॉडर्न राइस मिल इज टू, जो रबर रोलर होता है उसका क्या काम होता है, तो वो सेपरेट करता है हेक्स फ्रॉम पेडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब धान के ऊपर हम लोग जो धान कुटाने जाते हैं उसके ऊपर जो भूसी होता है उसको वो अलग करता है, यही रबर रोलर का काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। राइस पॉलिशिंग इन्वॉल्व, राइस पॉलिशिंग मतलब जिसे हम लोग हिंदी भाषा में अपने यहाँ कन बोलते हैं या पॉलिश बोलते हैं, उसको चावल के ऊपर से हटाना, वही इसका काम है राइस पॉलिशिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ ब्रेन लेयर फ्रॉम द ब्राउन राइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। ऑपरेशन ऑफ हैमर मिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायनेमिक फोर्स एप्लीकेशन बाय, तो हमारा जो हैमर मिल होता है वो इम्पैक्ट करता है, मतलब हथौड़े की तरह काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। हेंडरसन क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर डिटरमिनेशन इज, तो हेंडरसन क्वेश्चन हम लोग इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। हेंडरसन क्वेश्चन होती है 1 RH = e^-CtMe^n, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। होल्डिंग टाइम अंडर HTST प्रेशराइजेशन, तो ये कितने देर तक का होल्ड करके रखता है, 15 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। परसेंट ऑयल कंटेंट इज प्रोबेबली पेडी कैन बर्न इज 20%, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इट इज अ प्रपोज टू कंसंट्रेट ऑरेंज जूस या बाय बॉइलिंग ऑफ एक्सेस वाटर, द रिलेवेंट यूनिट ऑपरेशन रिप्रेजेंटिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज, ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन डी इवेपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ऑयल फ्रॉम ऑयल केक इज मेजर्ड रिमूव्ड बाई एक्सप्लेयर, रोटरी मिल, गनी, ऑप्शन डी सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। एन आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ पोटेटो इज, तो पोटेटो के लिए हम लोग आइडियल टेम्परेचर कितना रखते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंसन इक्वेशन इज यूज टू डिजाइन, तो जेंसन इक्वेशन को हम लोग यहाँ यूज करते हैं डीप बेन में यूज करते हैं, और कितना प्रेशर लग रहा है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जेंसन थ्योरी दिया, और ये अगर एवरी थ्योरी रहता तो सेलो बिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। द डिजायरेबल टेम्परेचर फॉर एप्पल स्टोरेज इज, सेब के लिए हम लोगों का कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, तो होता है -1 से 2 तक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ केबेज इज, गोभी को स्टोर करने के लिए हमारे पास कितना टेम्परेचर होना चाहिए जो सही रहेगा, तो वो हो जाएगा 0 सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। द रिकमेंडेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर सेफ
स्टोरेज ऑफ पटेटो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पटेटो को सेव करने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 85 से 90%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, द आइडियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर ओनियन स्टोरेज, प्याज के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 70 से 75, ऑप्शन नंबर बी। आलू के लिए 85 से 90, प्याज के लिए 70 से 75। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन कंज्यूम्ड बाई वन रेट इन अ ईयर इज, तो कितना कंज्यूम हो जाता है, 10 kg, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, अप्लीकेशन रेट ऑफ फॉस्फोसाइन ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ स्टोरेज वैल्यूम फॉर फमिगेंट सील्ड स्टोरेज इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0.521। फमीगेट एक प्रोसेस है, इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे गांव में मच्छर भगाने के लिए लोग नहीं आते हैं मशीन लेके, धुआं धुआं सब छोड़ते चले जाते हैं पूरा करते हुए, उसी टाइप का ये एक फमीगेट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, गोडाउन के अंदर स्टोर करते हैं अनाज को बोरों में, कट्टों में मतलब भर के, और उसके बाद स्पॉयलेज ना हो फूड में, उसके लिए वो लोग केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं धुआं के रूप में, तो वही धुआं धुआं उसमें कर देते हैं, उसी को बोलते हैं फमीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, मैच्योर ग्रीन टमाटो में बी कीप्ड ग्रीन फॉर 5 to 6 week इन एटमॉस्फेयर हैविंग जीरो सॉरी और कार्बन कंटेंट, इसके लिए कितना होना चाहिए, मतलब अगर हमको 5 से 6 वीक तक टमाटर को स्टोर करना है या रखना है, तो उसके लिए हमारे पास O2 लेवल कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन, तो उसके लिए हमको हमारे पास इन द सेंस मतलब गोडाउन में 3% ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54, इन अ एयर टाइट ग्रेन स्टोरेज इंसेक्ट आर किल्ड व्हेन द O2 लेवल फॉल्स बिलो, अगर हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल है वो अगर 2% से अगर कम हो जाएगा, तो उसमें हमारा क्या होगा, इंसेक्ट इंसेक्ट इफेक्ट करने लगेंगे स्टोरेज ग्रेन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 55, इन अ कंट्रोल्ड एटमोस्फेरिक स्टोरेज फॉर डिस्टिफिकेशन ऑफ ग्रेन द कंसनट्रेशन O2 ऑफ CO2 इज कीप्ड एट, ऑप्शन ए 5 पर 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 60। तो ये हमको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 60% बोल रहा है, ये हमको डाउट लग रहा है, आप लोग एक बार चेक करिएगा, जो इसका आंसर सही हो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, द मोस्ट फ्रिक्वेंट रीजन फॉर स्ट्रक्चरल फेलियर ऑफ ग्रेन स्टोरेज बिन, तो स्ट्रक्चर कब फेल होता है, जब स्टैटिक लोड ऑफ स्टोर्ड ग्रेन वाइल इंपिटिंग, तो इस कंडीशन ये वाला अगर रहेगा, स्टैटिक लोड ऑफ स्टोरेज ग्रेन वाइल इंपिटिंग, तब क्या करेगा, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा या मतलब गिरने का संभावना रहता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वेग स्टोरेज स्ट्रक्चर द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉक इज कीप्ड, तो हम लोग एक एक स्टोरेज जैसे गोडाउन के अंदर बहुत सारी स्पेस रहती है, अब उसमें हमको कितनी कितनी दूर पे स्टोर करना है, तो हमको 2-2 मीटर की दूरी पे करना है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, द रिकमेंडेड हाइट ऑफ स्टेक इन अ वेग स्टोरेज स्ट्रक्चर इज, तो इसके लिए हाइट कितना होना चाहिए, 4 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, द रिकमेंडेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ एप्पल, अब एप्पल के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो 58 से 90 डिग्री तक, सॉरी 90%, 58 से 90%, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, द रिकमेंडेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट को हम लोग किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखते हैं, इसको हम लोग रखते हैं 75 से 80, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। द रिकमेंडेड टेम्परेचर सेंटीग्रेड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेप्स इज। अब अंगूर के लिए हमारा रिकमेंडेड टेम्परेचर कितना होना चाहिए स्टोर करने के लिए, तो -1 से -1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ ऑरेंज इज। ऑरेंज के लिए हमारा कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए, तो 85 से 90%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट बेस्ट बेसिस फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ वीट इज। तो सेफ स्टोरेज वीट का हो, पेडी का हो, किसी का भी हो, इस दोनों के लिए ही 13% ही रखते हैं, मतलब 13% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफली एम्स टू रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल। ऑप्शन ए मेटल बिन स्टोरेज, ऑप्शन सी सिलो, ऑप्शन सी एयर टाइट स्टोरेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे स्टोरेज करने के स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट 65। इनक्लोज्ड इंपेलर आर डिजाइन टू पंप। इनक्लोज्ड इंपेलर आर डिजाइन टू पंप। ऑप्शन ए वाटर हैविंग कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सॉलिड, ऑप्शन बी वाटर हैविंग सम अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट, ऑप्शन सी क्लियर वाटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा क्लियर वाटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। अ सूटेबल पंप फॉर ए सिचुएशन वेयर द फ्लडिंग इज हजार्ड इज। जहाँ फ्लडिंग और इरिगेशन दोनों का प्रॉब्लम होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज करते हैं, तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। डीप बेल प्लंजर पंप इज अ टाइप ऑफ। तो जो हमारा बहुत ज़्यादा गहराई से पानी उठाने वाले का काम करता है उस पंप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। वेयर इज द समरसेबल पंप इज लोकेटेड। समरसेबल पंप कहाँ लोकेट करते हैं, मतलब कहाँ लगाते हैं, सभी के घर में ऑलमोस्ट लगी रहती है, तो सब हम सब लोग जानते हैं जहाँ वाटर बहुत नीचे आई पे रहता है, या मतलब जिसके वाटर हाइट बहुत हो, या फिर उसको हम ग्राउंड वाटर के नीचे डुबा के जहाँ यूज करना होता है वहाँ यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समरसेबल समर्ज इन वाटर बिलो ड्रा डाउन लेवल, मतलब पानी के अंदर डुबा के रखना है इसको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। पंप यूज्ड फॉर सिटी ड्रेनेज एंड सीवर डिस्पोजल है। हम सिटी में कौन सा पंप यूज करेंगे जहां पे हमको सीवेज का भी डिस्पोजल करना है और ड्रेनेज का भी करना है, दोनों काम करने हैं, तो इसके लिए हम लोग एक्जियल फ्लो इंपेलर टाइप का पंप यूज करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70। हाइड्रोलिक रैम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हाइड्रोलिक रैम पहाड़ों पे यूज करी जाती है हिली एरिया में, ये क्या करती है इंपल्स एक्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। वेलोमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मेजर्ड ऑफ। वेलोमेट्रिक इफिशियंसी जो हमारी होती है वो लीकेज को मेजर करती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 72। थ्योरेटिकली द सक्शन लिफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। थ्योरेटिकली द सक्शन लिफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। द सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप सेक्शन हेड शुड नॉट एक्सीड। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग जो सूटेबल मानते हैं वो 4 से 6 मीटर मानते हैं, और कभी कभी ये 4 से 6 ऑप्शन ना देके लेस देन 10 भी बोल देता है, तो हम लोग लेस देन 10 भी मार सकते हैं जिस टाइप से ऑप्शन दिया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। गियर पंप इज अ। गियर पंप को ही हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। फॉर स्लेब एंड बीम द ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स यूज्ड जनरली।
तो हम लोग इसका मिक्सर कितना यूज करते हैं स्लेब बीम और ग्रेड का, तो हम लोग इसका मिक्सर यूज करते हैं 1:5:3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, द क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए रोड क्रॉन, रोड ग्रेडियंट, रोड कैम्बर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रोड कैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ एवरेज साइज फैमिली ऑफ 5 मेंबर कंजेप्टिव 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन द सेप्टिक टैंक कैपेसिटी में बी कीप्ड, मतलब घर में अगर 5 लोग हैं मम्मी पापा और 3 भाई बहन बच्चे, तो उसके लिए कितना बड़ा सेप्टिक टैंक बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग 2.8 मीटर क्यूबिक का टैंक बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टील वुड बी, 1 क्यूबिक मीटर का वजन कितना होगा स्टील के, तो उसका वजन हो जाएगा 7880 kg, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं पूछ ही देता है, स्लंप टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर, स्लंप टेस्ट हम लोग प्लास्टिक सिटी ऑफ कंक्रीट उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ये अक्सर हम लोग डैम में या बहुत बड़ा कोई काम करना होता है, बिल्डिंग विल्डिंग बनाना होता है, वहाँ पे ये टेस्ट करते हैं कि कैसा है वहाँ का प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो ग्राउंड लेवल इज यूजली कैलकुलेटेड बाई, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मतलब हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ता है, डी इजकल टू पी अपन डब्ल्यू ब्रैकेट 1-sin θ अपन 1+sin θ की पावर 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, एक्शन विद इन अ सेप्टिक टैंक इज, सेप्टिक टैंक के अंदर कौन सा एक्शन होता है, तो एन एरोबिक एक्शन होता है, ऑप्शन बी एन एरोबिक एक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, डिपोजिशन एट द बॉटम ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज कॉल्ड, सेप्टिक टैंक में जो सबसे बॉटम में स्टोर होता है या इकट्ठा एक्यूमुलेट हो जाता है उसको हम लोग स्लज बोलते हैं, स्लज, ऑप्शन डी। द विलेज रोड कैरी ट्रैफिक टू मेन रोड शुड हैव द वुड विड्थ ऑफ, गांव से जो रोड जाती है मेन हाईवे में जोड़ती है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो हम 5 m² मानते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, व्हाइल द डिजाइनिंग ऑफ विलेज हाउसिंग केयर शुड बी टेकन टू प्रोवाइड अ प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर द विच ऑफ टोटल एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग में बी, 10-15% ऑफ द फ्लोर एरिया, प्रॉपर वेंटिलेशन करने के लिए हमको कितना बड़ा विंडो लगाना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो हमारा जो मान लो जितने एरिया होगा, सपोज डेट अगर मान लो 100 किलोमीटर 100 m² है, तो 100 m² है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको 10 से 15 के बीच में उसका वेंटिलेशन देना है, 10 से 12 या 11 जो भी दे दें हम लोग 12-13 इस टाइप से, इतने परसेंट उस एरिया का हमको वेंटिलेशन एरिया देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, प्रिज्मेटिक कंपास एंगल आर मेजर्ड फ्रॉम, प्रिज्मेटिक जो कंपास होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ रे को मेजर करता है इस एंगल को, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट इज लेवल्ड बाई, डंपी लेवल का हमारा क्या काम है, आर लेबलिंग इट पैरेलल ओवर 2 स्क्रू एंड देन द 3rd स्क्रू एंड रिपीट द प्रोसेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, प्लेन टेबल सर्वे इज डन बाई, प्लेन टेबल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कैसे डन करते हैं, तो रेडिएशन मेथड भी, इंटरसेक्शन मेथड में भी और रिएक्शन मेथड में भी, तो इसका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, लैंड ग्रेडिंग इज बेनिफिशियली इन अनइरीगेटेड एरिया टू, लैंड ग्रेडिंग कहाँ बेनिफिशियली रहता है, तो कंजर्वेशन मॉइस्चर में भी, रिड्यूस सोइल इरोजन में भी रहता है और प्रोवाइड द सरफेस ड्रेनेज, इस तीनों में रहता है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द बैक वेयरिंग ऑफ द लाइन हु आर वेयरिंग इज 39 डिग्री 41 मिनट इफ द फाउंड टू बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 219 डिग्री 40 मिनट। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखो बैक वेयरिंग ये दिया हुआ है होल हमारा बैक वेयरिंग कितना दिया हुआ है 39 डिग्री 40 मिनट, और फॉरवर्ड पूछा है हमसे तो हम क्या करेंगे, ये 39 180 से छोटा है तो इसमें 180 प्लस कर देंगे। तो देखो 180 में प्लस करोगे तो 219 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड बाई, लीनियर मेजरमेंट कौन करता है, चेन सर्वेयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ चेन इज टू शॉर्ट इट मेजर, अगर चेन शॉर्ट हो गया तो हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे मोर डिस्टेंस एक्चुअल, जितने एक्चुअल हमारी डिस्टेंस होगी उससे अधिक मेजर कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोर डिस्टेंस देन द एक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। इन कोर्स ऑफ डंपी लेवल टू रीडिंग आर टेकन एट विच पॉइंट, ऑप्शन ए आफ्टर फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ डंपी लेवल एट बेंचमार्क, ऑप्शन बी बिफोर द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ डंपी लेवल, ऑप्शन सी एट द इंटरमीडिएट पॉइंट, ऑप्शन डी एट द चेंज पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आफ्टर फर्स्ट सीटिंग ऑफ डंपी लेवल एट बेंचमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सर्वेइंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर इज फाइंड आउट, ऑप्शन ए सिंपल लेबलिंग, ऑप्शन बी डिफरेंशियल लेबलिंग, ऑप्शन सी प्रोफाइल लेबलिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी डिफरेंशियल लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। इंक्रीजिंग कंटूर टू वर्ड्स सेंटर रिप्रेजेंट आ, ऑप्शन ए रिज लाइन, ऑप्शन बी वैली लाइन, ऑप्शन सी हिलकॉक हिली, ऑप्शन डी पॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। सीरीज ऑफ कंटूर विच इज क्लोज टू देम सेल्फ विद द लोअर कंटूर इनसाइड रिप्रेजेंट आ, कंटूर अगर सेंटर से सेंटर प्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पहाड़ी होगा मतलब हिली एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। स्केल ऑफ सेलेक्ट अ वेल कंडीशन ट्राइंगल फॉर ए चेन सर्वे इफ द थ्री एंगल ऑफ रेंज इन द डिग्री, तो उसका एंगल कितना होना चाहिए 60-60, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेहमन्स रूल इज अप्लाइड, तो ये रूल कहाँ हम लोग यूज करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। बैक साइड रीडिंग इन लेबलिंग इज अ लेबलिंग स्टाफ रीडिंग टेकन विद द लेबलिंग स्टाफ कीप एट पॉइंट ऑफ, ऑप्शन ए नॉन एलिवेशन, ऑप्शन टू अननोन एलिवेशन, ऑप्शन टी टेकिंग द इंटरमीडिएट साइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉन एलिवेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंटूर लाइन रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ, कंटूर लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इक्वल एलिवेशन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इज अर्थवर्क इन लेवलिंग अ फील्ड 40x40 मीटर हैविंग 3% स्लोप विल बी, ऑप्शन ए 140 मीटर की, ऑप्शन बी 240 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 280 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 720 मीटर क्यूब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 480 मीटर क्यूब। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा इसके आगे का। थैंक यू।